रांची से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री कार्यालय का बयान सामने आया है। वो बयान हम आपको बताते हैं, चुनाव आयोग या राज्यपाल से कोई पत्र अब तक नहीं मिला है। चुनाव आयोग से राज्यपाल को रिपोर्ट भेजने की खबर चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी नेताओं ने स्वयं रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया है। तो ये बयान सामने आया है कि चुनाव आयोग से राज्यपाल को रिपोर्ट भेजने की खबर चल रही है। तो ये बयान सामने आया मुख्यमंत्री कार्यालय से, चुनाव आयोग या राज्यपाल से कोई भी पत्र अब तक नहीं मिला है। चुनाव आयोग से राज्यपाल को रिपोर्ट भेजने की खबर चल रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि बीजेपी नेताओं ने स्वयं रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया हो। तो हमारे साथ मनोज जी लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, एक बयान भी इस बीच सामने आया है मुख्यमंत्री कार्यालय से, इस बयान को क्या समझा जाए? जैसा कि अभी आप बता रहे थे कि ये, जैसा कि मैंने भी पहले ये बात कहा कि आधिकारिक तौर पे अभी चूंकि राज्यपाल यहाँ पहुँचे नहीं हैं, लिफाफा पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, लिफाफे में क्या कुछ है, वो अभी आधिकारिक तौर पे कोई भी बातें सामने नहीं आई है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के तमाम नेता जो इन सारी चीज़ों को लेकर के ट्वीट कर रहे हैं, उन ट्वीट को लेकर के ही ये सारी बातें आई है, और उसी को लेकर के अब जो है मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से यह आदेश या ये पत्र जो है वो जारी किया गया है कि अभी तक आधिकारिक तौर पे राजभवन यह नहीं पहुंचा है। और ऐसी स्थिति में जब पहुंचा नहीं है और उसके उसका जो मसौदा जब बाहर सामने में आ रहा है, तो ये अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरीके से है। और वो उसमें स्पष्ट तौर पे ये कहा जा रहा है, बीजेपी के नेताओं पे किया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो है जिस तरीके से सामने में आ रही है, मीडिया में सारी चीज़ें आ रही हैं जो बीजेपी के तमाम नेता ट्वीट कर रहे हैं, तो एक तरह से कहा जाए तो ये सारी चीज़ों को लेकर के एक प्लानिंग वे में इन सारी चीज़ों को लेकर के काम कर रहे हैं। तो ये एक कहा जाए तो ये सारी तस्वीरें जो है थोड़ी देर में ये स्पष्ट होंगी जब राज्यपाल यहाँ पहुँचेंगे, और तब ये स्पष्ट होगा कि लिफाफा पहुँचा है या नहीं पहुँचा है, और अगर पहुँचा है तो उस लिफाफे में क्या कुछ है। जी राहुल, मनोज जी, जिस तरीके से बातचीत चल रही है, फिर चर्चा हो रही है कि पक्ष में या फिर विपक्ष में दोनों जो फैसला है वो हेमंत सोरेन के लिए आ सकता है। अगर विपक्ष में फैसला आता है, चेहरा अगर बदलता है, तो उस चेहरे के साथ किस तरीके का जो समन्वय है वो कांग्रेस करेगी, बाकी जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो करेंगे, और इसको लेकर के एक बैठक भी कुछ दिनों पहले हुई थी जहाँ पर तमाम महागठबंधन के जो नेता थे वो शामिल हुए थे, तो बैकअप प्लान क्या लगता है कि किस तरीके की है गठबंधन की? देखिए राहुल, जैसा कि मैं बता रहा था आपको कि संभावनाएं कई हैं। सबसे पहली संभावना है, एक संभावना ये हो सकती है कि जो हेमंत सोरेन की जो अर्जी है उसे स्वीकारते हुए जो चुनाव आयोग ने जो फैसला सुनाया है ये इनके पक्ष में हो, तो ऐसी स्थिति में सरकार एज इट इज जिस तरीके से काम कर रही करते रहेगी, कहीं कोई इसमें दोहरा बदलाव नहीं आएगा। दूसरी संभावना यह है कि इन्हें दोषी पाया गया है, तो ऐसी स्थिति में इनकी सदस्यता जा सकती है। सदस्यता जाने पे अगर इन्हें डिबार नहीं किया जाता है, वैसी स्थिति में ये पुनः इस्तीफा देंगे और उसके बाद फिर से ये जो है सरकार बनाने का दावा पेश करके दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, और अगले 6 महीने के अंदर फिर कहीं से चुनाव लड़ करके जो है बन सकते हैं। तीसरी स्थिति यह आती है कि देखिए आलमगीर आलम है, हम कोशिश करते हैं, निकल रहे हैं, क्या कुछ बात हुई है इनसे जानने की कोशिश करते हैं। नहीं यार, पर लगाए कि अभी थोड़ा सा बाहर निकल जाए, बाहर निकल जाए, बाहर आलमगीर आलम जो हैं वो अभी मुख्यमंत्री आवास से निकले हैं जी, निकल रहे हैं, और अब वो बताएंगे इन सारी चीजों को। देखिए अभी तक कोई नोटिस उनको प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन अटकले लगाया जा रहा है कि क्या आएगा तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमारे सारे विधायक जो हैं अलर्ट मोड में हैं और सारे विधायक एक आ जाएंगे। नहीं कोई विकल्प का भाई चर्चा नहीं, जब तक नोटिस नहीं आएगा नहीं देखेंगे तब पर इस पर कुछ नहीं करेंगे। नहीं अभी अभी हम लोग बुलाएंगे, सब विधायक को बुलाएंगे, नोटिस आने दीजिए, नोटिस में क्या है मजमून देख लेते हैं, और देखने के बाद अगर जरूरत पड़ेगा, सारे एमएलए हमारे साथ कांटेक्ट में हैं, आज भी बहुत सारे लोगों से बात हुई है,
और जैसे होगा हम लोग निर्णय लेंगे। क्या लग रहा है जिस तरीके से बीजेपी के नेता तमाम नेता जो है ट्वीट कर रहे हैं? देखिए हम तो पहले ही बताए कि भाई आप जब तक हमको आया नहीं, आप लोग खुद बोल रहे हैं लिफाफा बंद आया है, अब उनको कैसे जानकारी? अभी तक तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री भाई कोई नोटिस नहीं आया है। जब तक नोटिस नहीं आएगा तब तक हम क्या इस पर बोल सकते हैं? लेकिन अगर हमारा पक्ष में नहीं आया, विपक्ष में हमारा अगर आता है तो हमारा संख्या बल ज्यादा है और सब MLA जो अभी सबसे बात हुई है, जरूरत पड़ेगा तो सारे लोग को बुलाएंगे। राजभवन मार्च करने का अभी सवाल ही पैदा नहीं, बोले नहीं अभी तक हम नोटिस के बाद जरूरत पड़ेगा तो वो भी निर्णय लिया जाएगा। मंत्री जी जैसे महाधिवक्ता को बुलाया गया था अभी, तो क्या ऐसा होगा क्या कि जो आएगा उसको लेकर के आप कोर्ट में भी जाएंगे? जरूरत पड़ेगा तो जाएंगे, अगर जरूरत। अभी बोले कि नोटिस हमें मिला नहीं, अब मजबूर क्या है उसका देखने के बाद ना हम आगे बढ़ेंगे। चलिए ये राहुल जी हैं, आलमगीर आलम जो राज्य सरकार के मंत्री हैं, कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, और जिस तरीके से ये बता रहे हैं कि संख्या बल जो है वो हमारे पक्ष में है और ऐसी स्थिति में जो है हम संख्या बल हमारे पक्ष में है और सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं आपको जैसा बता रहा था आपको और उन्हीं सारी चीज़ों को उन्होंने भी कहा है कि विकल्प जो है कई एक है। सबसे पहली बात यह कि अगर आता है इनके पक्ष में आता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर विपक्ष में आता है मिथिलेश ठाकुर निकल रहे हैं नहीं इसमें है नहीं, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि अगर इनके खिलाफ आता है, हेमंत सोरेन के खिलाफ आता है और आयोग ठहराया जाता है तो उन्हें वो पद वहाँ से विधायकी छोड़नी पड़ेगी, उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन अगर उन्हें डिबार नहीं किया जाता है तो वैसी स्थिति में ये दोबारा मुख्यमंत्री पद के लिए ये एलिजिबल होंगे, ये जाकर के बहुमत अपना राज्यपाल के सामने में रखेंगे और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अगले 6 महीना में ये मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं से विधायक बन करके ये फिर से अपना सरकार चला सकते हैं। दूसरी स्थिति आती है कि अगर चुनाव आयोग इन्हें डिबार करता है कुछ सालों के लिए चुनाव लड़ने से, तो वैसी स्थिति में फिर कोई दूसरा चेहरा ढूंढना पड़ेगा। तीसरे एक विकल्प ये होता है, जैसा कि सरजू राय ने भी अपने ट्वीट में कहा था कि उस आदेश को तत्काल रोकने के लिए ये लोग कोर्ट के शरण में जा सकते हैं कि तत्काल उस पर रोक लगाया जाए या उस पर फिर उसको चुनौती दे कोर्ट में। तो ये सारी चीज़ें अभी खुली हुई हैं, इसलिए अभी इस सारी चीज़ों को लेकर के कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना जरूर है जिस तरीके से ये सारी चीज़ें आए हैं और अभी खुद जैसा आलमगीर आलम ने भी बताया कि अभी उनके पास नहीं पहुँचा है और उन्हें उनके पास जो जानकारी है उस जानकारी के मुताबिक अभी तक जो है चूंकि राज्यपाल आए नहीं है तो वहां से किसी तरह की कोई नोटिस नहीं आई है। नोटिस आने के बाद उन सारी चीजों को संभावनाओं पर विचार किया जाएगा, महाधिवक्ता हैं वो भी यहां पहुंचे हुए, उनसे भी राय ली जाएगी क्या कुछ किया जा सकता है। तमाम पहलुओं को देखने के बाद जो है मुख्यमंत्री आवास जो है उस पर आगे कदम बढ़ाएगा जो सरकार को लेकर के आगे। बिल्कुल मनोज जी, तो उस रिपोर्ट का इंतजार है और उस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ही तमाम विकल्पों को तलाशने की जो कोशिश होगी वो की जाएगी कि क्या कुछ रास्ता जो है वो निकल पाता है।